चैनल अख्तर ब्लॉग्स, दिस इज आरिफ अख्तर एंड टुडे इज 19th ऑफ अक्टूबर। सो गाइस, मैं इतने दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों तक कहाँ चला गया था। एक्चुअली में हुआ क्या था मेरे को कि मेरे को इतने दिनों तक गायब होना पड़ा, डेंगू। सो यार गाइस, आप लोगों ने सब सुना, मेरे को डेंगू हो चुका था एंड मेरे प्लेटलेट सिर्फ 7000 रह चुके थे। सो गाइस, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि डेंगू का कैसा होता है एंड क्या कुछ करना होता है जिससे हमारे प्लेटलेट्स ना कम हो तब बढ़े, क्योंकि भाई मेरे 7000 प्लेटलेट्स रह चुके थे। तो मैं 9 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, वो भी 3 हॉस्पिटल में, एक में भी नहीं, 3 हॉस्पिटल मैंने चेंज किए तब जाके ठीक हुआ मैं। मतलब अपने यमुनानगर में तो ठीक ही नहीं हुआ मैं, मेरे को चंडीगढ़ जाना पड़ा। तो चंडीगढ़ फोर्टीज में घूम के आया, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है कि डेंगू में कैसे क्या कुछ करना होता है, तो वही आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग को भी डेंगू जैसा फील होता है या फिर हो जाता है तो आप लोग घर पर रह के भी ठीक हो सकते हैं गाइस। तो गाइस, अगर आप लोग को जरा सा भी फीवर फील होता है तो सबसे पहले तो अपना चेकअप करवा लेना, मतलब ब्लड टेस्ट करवा लेना एंड उसमें देख लेना कि आप लोग को डेंगू मलेरिया टाइफाइड अगर होता है तो क्या होता है, मतलब ब्लड टेस्ट करवा लेना एक बार, क्योंकि भाई हरियाणा यूपी और पंजाब में अभी के टाइम पे डेंगू बहुत फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारी कॉलोनी में तो ऐसे है, हर एक घर में डेंगू का पेशेंट या फिर किसी ना किसी को कोई फीवर तो है ही है। मतलब मलेरिया टाइफाइड और डेंगू तो इतना फैला हुआ है यमुनानगर में, बता नहीं सकता गाइज मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले कोई एंटीबायोटिक मत खाना, सिर्फ एक मेडिसिन खाना, वो है डोलो 650 mg। डोलो खाना गाइज, पैरासीटामोल, मतलब सुबह दोपहर शाम वही खाना। मेरे को चंडीगढ़ फोर्टिस डॉक्टर ने कहा था, अब चंडीगढ़ फोर्टिस को तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे है, तो अगर वो कुछ सजेशन देंगे तो गलत नहीं देंगे। बकरी का दूध पीना स्टार्ट कर दो, नारियल पानी से हम लोग बेसिकली दाब कहते हैं आई थिंक सो, अब मेरे को पक्का नहीं पता है, पर ही आ गई। नारियल पानी पियो, कोकोनट वाटर एंड नेचुरल वाला पीना, वो जो दूसरे वाला आते हैं वो वाला मत पीना, नेचुरल वन पीना। और फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दो, जितना हो सके उतने फ्रूट्स खाओ, कीवी खाओ, बेसिकली कीवी बहुत इफेक्ट करते हैं प्लेटलेट्स को। मौसमी का जूस, मतलब जूसेस लिक्विड सब पूरा दबा के पियो, उसके उतना ही खाओ, ज़्यादा भी मत खाना, बस वोमिट मत आने देना, क्योंकि अगर वोमिट आएगी तो अगर ब्लड आ गया तो वो दिक्कत कर जाएगा गाइज आप लोग को। अब खैर मैं बच गया, मेरे कहीं से ब्लीडिंग नहीं हुई, सो या गाइज मैं बच गया हूँ, मैं तो बढ़िया हो चुका हूँ एकदम। मेरे अभी आज टेस्ट हुआ था मेरा सुबह सुबह, तो मेरे प्लेटलेट्स आए हैं 1,86,000, सो बहुत बढ़िया है मेरे प्लेटलेट, 1.5 लाख से ऊपर रहने चाहिए, 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में रहने चाहिए, तो मेरे 186 हैं, क्योंकि अब आज मैंने इसलिए ब्लड टेस्ट करवाया, अब कल मेरे को जाना है चंडीगढ़। डॉक्टर ने मेरे को चेकअप के लिए बुलाया था, तो इसलिए आज मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। तो यार गाइस, कल का भी ब्लॉग शायद मैं शूट करूँगा ये अगर मेरा मन किया, एंड बाकी बस यही बताना था आप लोग को कि डेंगू से बचते रहो, घर रहो एंड जो ऑल आउट वगैरह होते हैं वो जलाते रहो, क्योंकि अभी का टाइम बहुत बुरा चल रहा है गाइस। एक महीना तो घर से ना ही निकलो, बाहर का ना ही खाओ तो बेटर है। एक महीने तक तो बाहर ना ही निकलो, क्योंकि अभी ये जो फैला हुआ है ना गाइस, बहुत गंदा फैला हुआ है। एंड एक और बात, सेफ रहना गाइस, क्योंकि जो डेंगू के मच्छर होते हैं ना वो पैर से ऊपर नहीं आते कभी भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड बाकी एक और चीज़ है डेंगू में कि जैसे अगर आप लोगों को डेंगू हो गया जिस मच्छर ने काटा, अगर आपको कोई नॉर्मल मच्छर आके काटता है, तो उसे भी डेंगू हो जाएगा, ये भी बहुत गंदा सीन होता है। आई होप आप लोग को पता ही होगा, ये तो बेसिक चीज़ें हैं गाइस, वो तो सारों को पता ही होती है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आज के ब्लॉग को हम लोग यही एंड करते हैं, आई होप यू एंजॉयड द ब्लॉग। ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय गाइस।